देशी खबरों के साथ कर लेते हैं। जब भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय घोटाला मामले में कुलपति सुनील कुमार समेत 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलसचिव आरएस राजपूत, वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा और मयंक कुमार के नाम शामिल है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 3 से प्रदर्शन कर आपको बता दें कि एबीवीपी 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया है। मामले में 19 करोड़ 48 लाख रुपए प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में उच्च स्तरीय समिति से जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही विश्वविद्यालय की वित्त शाखा में कार्यरत सभी अधिकारियों को हटा दिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से आरजीपीवी घोटाला ये पूरा मामला आया है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल, राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो राजीव गांधी प्रौद्योगिक महाविद्यालय में 200 करोड़ की एफडी हुई थी और 200 करोड़ की एफडी में से 20 करोड़ रुपए जो है वो निजी खातों में ट्रांसफर किए गए थे। जिस बात को लेकर छात्र लंबे समय से इसका विरोध भी कर रहे थे, हालांकि इसका पूर्व में देखा था कि छात्रों को ये कहा गया था कि 10 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की जाएगी। जब वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है तो इसके बाद तमाम जो एबीवीपी के छात्र थे उन्होंने कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया और 3rd दिन तक कल देर रात तक लगातार ये प्रदर्शन करते रहे। और इसके बाद जो है देखिए जो मोड़ से वो आए थे, हालांकि इसमें रजिस्ट्रार पर पहले गाज गिर चुकी थी, लेकिन जो अन्य लोग हैं जिसमें कुलपति भी इसमें शामिल है, चाहे इसके अलावा जो अन्य लोग हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन खुद मंत्री इंद्र सिंह परमार यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने बापूरी बात की थी। तमाम शाम को उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, उसके बाद जो है ये पूरी तमाम जो एफआईआर है वो भी दर्ज की गई है। लेकिन कुलपति पूर्व रजिस्ट्रार जो है राजपूत, ऋषिकेश वर्मा, मयंक कुमार और दलित संघ के जो सुहाग कुल के जो लोग हैं उनमें से पैसे 5 लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 420, 467, 468 सहित जो है जो भ्रष्टाचार जो निवारण जो भी अधिनियम है उन अधिनियमों के तहत जो है अब कार्रवाई कर दी गई है। जी, तो अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी देने के लिए।